नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सभी कंपनी के नए सीईओ और उनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, जिस भी कंपनी के बारे में हम लोग देखेंगे उसके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ की कंपनी है और वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रिविजन वीडियो है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताते हुए चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको सीईओ के बारे में जानना होगा। सीईओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, आखिर इनको क्यों नियुक्त किया जाता है किसी भी कंपनी में? देखिए, किसी भी कंपनी को किस तरह से चलाना है इसका पूरा जिम्मेदारी जो एक सीईओ के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एप्पल कंपनी है, तो इस एप्पल कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये सारा जो है जिम्मेदारी किसके पास होता है? ये एक सीईओ के पास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सीईओ का वर्क हो गया। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर होगा टिम कुक। और एप्पल कहाँ की कंपनी है? एक अमेरिकी कंपनी है। कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? तो आईफोन, आईपैड, वॉच, टीवी, ये सभी बनाती है एप्पल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। कहाँ की कंपनी है? ये भी एक अमेरिकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का आपने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है आपने देखा होगा ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो रहता है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है बिल गेट्स और पॉल एलन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉल एलन। अगला प्रश्न है, एडोब कंपनी के सीईओ कौन है? तो एडोब कंपनी के सीईओ है शांतनु नारायण, ये एडोब कंपनी के सीईओ हैं। एडोब, आपने एडोब का नाम सुना होगा, कैसे? जब भी आप पीडीएफ को रीड करते हैं या पीडीएफ को खोलते हैं तो आप एडोब में ही खोलते होंगे। ठीक है, और एडोब एक अमेरिकी कंपनी है। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स कंपनी के सीईओ कौन है? तो एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स कंपनी के सीईओ हैं। टाटा सन्स कंपनी एक भारतीय कंपनी है। आपको पता होगा कि टाटा का गाड़ी मोटर कितना प्रचलित है, स्टील प्लांट, ये सभी जो है टाटा का है। अगला है, एयर इंडिया कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इल्केर आईसी, ये जो है इंडिया कंपनी के नए सीईओ बने हैं, एयर इंडिया कंपनी के। ठीक है, और आपको पता होगा कि एयर इंडिया कंपनी अब जो है टाटा के अंदर आ गई है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, बीएसएनएल कंपनी के सीईओ कौन है? तो बीएसएनएल के प्रवीण कुमार पुरवार, ये बीएसएनएल कंपनी के सीईओ हैं। बीएसएनएल, बीएसएनएल का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है, भारत संचार निगम लिमिटेड होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एक सूचना देनी थी आप लोगों को, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बेट होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि ये टेस्ट है। ठीक है, आपको इसमें भाग लेना है। कब? 24 अप्रैल 2022 को 12 बजे होने वाला है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, कम्पीट करना, और जीतने का मौका मिलेगा, तो आपको जीतना भी है। क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। इसमें जो है टोटल कुल 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। टाइमिंग क्या है इसका? तो टाइमिंग है 12 बजे से होगा, 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इसमें आप अगर जीतते हैं, रैंक लाते हैं, यानी कि टॉप रैंकर्स के लिए जो है 100% स्कॉलरशिप आपको अन अकेडमी पर मिलेगा। साथ ही साथ जो एक्साइटिंग गैजेट्स है वो भी आपको जीतने का मौका मिलेगा, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, अमेजन वॉचर्स है, ये सभी आपको जो जीतने का मौका मिलेगा। तो कहाँ पर ये होगा? तो अन अकेडमी पर होगा, जो कि मैंने लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इनरोल करते समय कोई भी कॉड पूछेगा फ्रेंड्स, तो अपने चैनल का नाम लगा देना है स्टडी लाइन। क्या लगाना है? स्टडी लाइन। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अजय पाल सिंह बंगा, ये मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं। और मास्टर कार्ड कंपनी ये कहाँ की कंपनी है? एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, अगला है, सोनी कंपनी के सीईओ कौन है? तो सोनी कंपनी के सीईओ है केंचिरो योशिदा, ये सोनी कंपनी के सीईओ हैं। सोनी कहाँ की कंपनी है? तो जापान की कंपनी है। ठीक है, और सोनी का आपने खूब नाम सुना होगा, आपने टीवी, कैमरा, मोबाइल, ये सभी सोनी का देखा होगा। अगला प्रश्न है, सैमसंग कंपनी के सीईओ कौन है? तो इसका सीधा याद रखना आपको तीन नाम, कोह डोंग जीन, किम ह्यून सुक, किम की नाम। ठीक है, तो अधिकतर आपको जो है किम ह्यून सुक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बस एक ही नाम याद रख लेना है, और आपको पता होना चाहिए सैमसंग जो है एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जो कि टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, नोकिया, नोकिया कंपनी के सीईओ कौन है? तो यह है पेक्का लुंडमार्क, ये नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। ध्यान ये रखना है कि नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की? फिनलैंड। फिनलैंड कहाँ है? यूरोप की है। ठीक है, यूरोप यानी कि यूरोपीय देश की एक कंट्री है फिनलैंड। अगला जो प्रश्न है वो है, एचपी, एचपी कंपनी के सीईओ कौन है? तो यह है आपका डियोन वेसलर, ये एचपी कंपनी के सीईओ हैं। एचपी कहाँ की कंपनी है? ये एक अमेरिकी कंपनी है और लैपटॉप बनाती है, आपने देखा होगा।
आगे लेफ्ट डेल, डेल कंपनी के सीईओ कौन है, तो ये माइकल डेल, ये डेल कंपनी के सीईओ हैं और ये भी एक अमेरिकी कंपनी है। और आपको ये भी पता होगा कि डेल क्या बनाती है, ये भी लैपटॉप बनाती है। आगे एयरटेल कंपनी के सीईओ कौन है, तो एयरटेल कंपनी के सीईओ है गोपाल विट्टल, ये एयरटेल कंपनी के सीईओ है। आपको एयरटेल का पता होगा, ये एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और इसका जो स्थापना कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो एयरटेल कंपनी के संस्थापक कौन थे, सुनील भारती मित्तल। अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है, गोपाल विट्टल। अगला प्रश्न है वोडाफोन यानी कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के सीईओ कौन है, तो रविंदर टक्कर। देखिए वोडाफोन आइडिया का जो न्यू लोगो है वो है VI, ठीक है, ध्यान रखिएगा VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। इसके प्रेजेंट टाइम में रविंदर टक्कर सीईओ है। अगला प्रश्न है जियो कंपनी के सीईओ कौन है, तो जियो कंपनी के सीईओ अभिषेक कुमार है, ठीक है। एक बार आप जरा सा चेक कर लीजिएगा कि जियो कंपनी का अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है, ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको जियो के बारे में पता ही होगा, जियो एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और जियो पता है मोबाइल टेलीफोन ब्रॉडबैंड सेवाएं डिजिटल सेवाएं ये सभी जो आपको प्रोवाइड कराती है जियो, ठीक है। अगला है इन्फोसिस कंपनी के सीईओ कौन है, तो इसका राइट आंसर सलील पारेख, ये इन्फोसिस कंपनी के सीईओ है। इन्फोसिस ये भी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, और एक IT कंपनी है इन्फोसिस। अगला है TCS कंपनी के सीईओ कौन है, तो TCS कंपनी के सीईओ है राजेश गोपीनाथ। और TCS अभी आपने नाम, मैंने ऊपर में ही नाम बताया था टाटा का, तो TCS का फुल फॉर्म क्या आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और एशिया के सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और आपने TCS, आपने देखा होगा कि एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है, TCS ही कराती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वॉलमार्ट कंपनी यानी कि वॉलमार्ट इंडिया कंपनी के सीईओ कौन है, तो वह समीर अग्रवाल, यानी कि समीर अग्रवाल आपका राइट आंसर का। वॉलमार्ट ये कहाँ की कंपनी है, एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, तो वॉलमार्ट इंडिया का भी प्रेजेंट टाइम में समीर अग्रवाल को सीईओ बनाया गया है। वॉलमार्ट में क्या होता है कि एक रिटेल कंपनी है, ठीक है, जो आप वॉलमार्ट देख रहे हैं एक रिटेल कंपनी है जो कि खाने पीने का सामान बेचने का काम करती है, ठीक है, रिटेल है। अगला है अमेजॉन कंपनी के सीईओ कौन है, तो NDJC, ये अमेजॉन कंपनी का भी प्रेजेंट टाइम में सीईओ है। अमेजॉन ये एक ये जो है एक अमेरिकी कंपनी है और ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। आपने तो बहुत अच्छे से नाम सुना अमेजॉन का, आप शॉपिंग भी करते होंगे। अमेजॉन जो है दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अगला है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है, तो वह कल्याण कृष्णमूर्ति। और ये कहाँ की कंपनी है, ये एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान ही रखना है कि इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है वह है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, ध्यान रख लेना है। और एक ये जो फ्लिपकार्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है यानी कौन है, तो सचिन बंसल और बिनी बंसल का नाम बताना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराए और इसका एक पार्ट और मैं लेकर के आऊंगा जिसमें सारा कंप्लीट आपको जो भी बचा है वो करा दूंगा, ठीक है। तो ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।